नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों, यश में आपकी लव लाइफ, बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, रुपये पैसे तथा स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे। आखिर ऐसे किन किन चीजों से लेकर आज आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपके राशि से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन आज गुरुवार का रहेगा, महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि बन रही है, जो कि यह रात्रि के 2:29 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 3:16 तक चलता रहेगा, और इसके आगे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नामक नक्षत्र बन रहा है, जो कि यह रात्रि के 3:33 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 4:57 तक चलता रहेगा, और इसके आगे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो शुभ नामक योग बन रहा है, जो कि यह ठीक 2:51 तक चलेगा, और इसके आगे शुक्ल नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 6:16 पर, और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 6:41 पर। चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 4:09 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 3:38 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज का शुभ समय यह 2:12:03 से लेकर ठीक 2:12:53 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं राहु काल का समय, तो यह 2:02:02 से लेकर ठीक 3:35 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आप राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों का क्या औकात। हौसलों की आंधियां इतनी तेज होनी चाहिए कि किस्मत का सिक्का पूरी तरह से पलट जाए। सभी कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, लेकिन स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड जो पूरी जिंदगी बदल देता है। हौसला बुलंद हो गई तो मन उमंग हो गया, जिसकी चाहत थी वह अपने संग हो गया। इसलिए खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, वो आप कर सकते हो जो आप एक सोच सकते हो। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं आज के राशिफल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। वृश्चिक राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। आज आपका नाम होगा और आप प्रतिसिद्धि भी मिलेगी। आप आज तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं, लेकिन वे सभी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे। आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्ता रखने में अपने की मन की आवाज को देते हैं, लेकिन आपको भविष्य में बेहतरीन के लिए वर्तमान में कुछ आरोमा का छोड़ना होगा। स्वास्थ्य और कल्याण राशि फल की अगर बात की जाए तो आज आपको आलस सा महसूस होगा, लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ही तेज गति से काम कर रहे थे। आपको अपनी टांगों तथा बहुत खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है, यह अत्यधिक भाग दौड़ का नतीजा है। इसलिए आज अपनी शक्ति को वापस लाने के लिए खूब आराम करें और अच्छा खाना खाएं। प्यार और संबंध राशि फल की अगर बात की जाए तो आज का दिन अपने रिश्तों की खटास और कड़वाहट को कम और सही करने का है, लेकिन आप ही को बदलाव पहला कदम उठाना पड़ेगा। आपको महत्वाकांक्षा और गर्व पीछे रखना होगा और चीजों को खुद अपने हाथों से लेना होगा, अन्यथा आप रिश्ता का उथल पुथल सवारी की तरह आगे बढ़ जाएगा। अगर आपका साथी अपना मन सारे झुकाव के लिए खुला रखेगा, आज आपका साथी अपना मन सारे सुझाव के लिए खुला रखेगा। करियर और धन राशि फल की अगर बात की जाए, आज आप कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लें। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपको दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, जिसके स्थान वेतन में वृद्धि भी आएगी। इसलिए ईमानदारी से काम करते रहें और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहें। हो सकता है कि लाभ आज दिखाई न दे। आप एक बेहतर जीवन के लिए कल की दिशा में आप काम कर रहे हैं। अपने कार्य को पूरा करने के लिए रचनात्मकता का प्रयोग जरूर करें।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णुदेव जरूर लिखें। आज के दिन विष्णुदेव को सच्चे मन से बोलने से या पुकारने से हर कार्य में सफल होगी। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।